हमारे साथ इस वक्त हैं अयान, मेरे साथ है मोहम्मद हुसैन, मेरे साथ है अदनान गोरी भाई, अदनान गोरी व्लॉग्स, और माशाल्लाह छोटी, क्या हाल है आपके? अभी ठीक है, क्या हाल है अदनान भाई? अभी ठीक है, माशाल्लाह इनकी वीडियोस बन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अब चलते हैं आगे स्टेशन की जानिब, देखते हैं GU40 माशाल्लाह आया है ट्रेन के साथ। रेलवे स्टेशन सुबह सुबह आने का मज़ा ही कुछ हो रहा है, साफ़ सुथरी हवा, फ्रेश एयर और खाली सड़कें, और सुबह की ट्रेवल में बड़ा इन्जॉयमेंट आता है, बड़ा मज़ा आता है। एक अच्छा सफ़र होने वाला है। हम लोग मौजूद हैं डिगरो रेलवे स्टेशन पे, और आज हमारे साथ कोयटा के मेहमान भी हैं। कोयटा से आए हैं यूसुफ गौरी और दाना बाबर। कोयटा से आए हैं, मेन स्पेशली यूसुफ गौरी को आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, ये कोयटा के हवाले से वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं। हम भी इनकी वीडियोस देख के इन्जॉय करते हैं, और बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है जो आप बनाते हैं कोयटा की भी, और हम देखते रहते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी आप बनाते हैं, और माशाल्लाह बड़ा इन्जॉय होता है। और देखते हैं आगे और कौन कौन से दोस्त हैं जो आज हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। आ चुकी है डिगरोड रेलवे जंक्शन पे, और अब हम जा रहे हैं इसमें सवार होने के लिए, तो क्योंकि बहुत से मुसाफिर भी मौजूद हैं इसमें। दोस्तों ट्रेन चल चुकी है डिगरोड रेलवे जंक्शन से, और काशी से बाहर गए मेहमान आ चुके हैं। बिलाल भाई कहाँ से? पिंडी। मैं लाहौर से। लाहौर से, लाहौर से। और फहीम भाई भी सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तभी ठीक है फहीम भाई। सबसे पहले तो यार आपका जो है, आपका कैमरा भी सुना चला गया, और नहीं जो बहुत है ना ब्लॉगिंग करते हुए आपका कैमरा चला गया, आपके हाथ पे चोट आई हुई है, काफ़ी मुझे अफसोस तो है उसका, पर इंशाल्लाह आप भाइयों की दुआओं से हम उसको लेंगे, तो कैमरे को नया लेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, रुकेगा नहीं काम, रुकेगा नहीं काम, काम चलता रहेगा, व्लॉगिंग चलती रहेगी, रील फैनिंग चलती रहेगी इंशाल्लाह। दोस्तों मेरे साथ मौजूद है इस वक्त अरसलान खारी जो एसजेएमबिल कंपनी में होते हैं, तो इनसे कुछ मालूम लेते हैं क्योंकि ट्रेन साथ साथ चल रही है, अभी डी कॉलोनी पर रुकी हुई है, तो इनसे कुछ मालूम लेते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या हाल है आपके? ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि आज लास्ट टाइम हम लोग आए थे शालक एक्सप्रेस की सेरेमनी में, और आज हम जा रहे हैं मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस की सेरेमनी में, तो कुछ बताएंगे इस ट्रेन के हवाले से, कुछ चेंजिंग आई है, कुछ तब्दीली आई है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें माशाल्लाह से अब हमारे पास टोटल 7 कोचेस हैं, जिसमें 6 कोच और 1 DLR वैन है, 6 कोच हैं और 1 DLR वैन है। उसके अलावा सर टोटल की टोटल जो है ये 6 नई कोचेज़ हैं। न्यू कोचेज़ हमने देखी हैं, हमने सोशल मीडिया पे देखी, न्यू कोचेज़ कोटरी पे भी खड़ी नहीं है, और इसके बाद जो है रोड़ी पे भी हमने देखी है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त यूसुफ गौरी जो कोयटा से स्पेशल आए हैं, उन्होंने वहाँ पे भी वीडियो बनाई है सफर में कोटरी रोड़ी पे, और माशाल्लाह देखते हैं आगे जाके और कैसे भी करते हैं, तो हम लोग अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे। और कुछ मज़ीद डिटेल बताइएगा, और कुछ मज़ीद फैसिलिटी दे रहे हैं इसमें ट्रेन में? सर इसमें काफ़ी कुछ चेंजिंग है, इसमें आप अगर बुकिंग भी करवा सकते हैं, आप जैसे फैमिली जा रही है एडवांस बुकिंग हो जाएगी, एडवांस बुकिंग फ्री है इसमें, और इसके अलावा जो किराया रखा गया है वो पहले की तरह ही है? जी वो बिल्कुल सेम है, पहले की तरह ही है, उसमें कोई अच्छा था। चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं मजीद और देखते हैं क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो और हमारे साथ गुलाम अस्लाम भी, बहुत से लोग पूछते हैं, सबको तारुफ करा देते हैं। मालिक साहब आपका नाम? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद साहब खुशी हैं जी पे? जी सर। और आगे चलते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहसिन भाई, ओहो मोहसिन भाई, ये मोहसिन भाई हमारे साथ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, क्या
बिल्कुल फर्स्ट टाइम आज मैं आपके साथ आ रहा हूँ, मतलब फील्ड में मुलाकात होती है, इस बार फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है, ट्रेन चल रही है और हम लोग बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आप मुझे नहीं पता किस बार किसकी कराची सर्कुलर रेलवे के बारे में बात करेंगे, ये शाह लतीफ एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे, हमारे सामने गुजर रही है कैसी पहुंच चुके हैं जुम्मा गोट पे और जुम्मा गोट रेलवे स्टेशन है, ट्रेन ने स्टॉप किया है और मेरे सामने देख सकते हैं कि ट्रेन खड़ी हुई है। इस वक्त आपको खाली नज़र आ रही होगी क्योंकि इस पर कंटेनर लोड होते हैं और कंटेनर लोड जो भी आते हैं, सामने जीएमबी लोकोमोटिव लगा हुआ है। जो है इकट्ठा कर रहे हैं माशाल्लाह, कचरा बाहर ना फेंका करें, गंदगी ना किया करें।
कोठी रेलवे स्टेशन आ चुका है और साथ साथ आप देख सकते हैं कितने कैमराज और कितने मोबाइल बाहर निकले हुए हैं वीडियो के लिए, क्योंकि ज़्यादातर व्लॉगर जहाँ मौजूद है। और सामने हमारे मौजूद है जंजो दौड़ एक्सप्रेस, बिल्कुल तैयार खड़ी है, रेडी खड़ी है कोठरी रोड़ी जाने के लिए कोठरी से। और अब हम जाएंगे यहाँ से उस तरफ ट्रेन से उतर के दिखा दूँ, माशाल्लाह कैमरे ही कैमरे निकले हुए हैं। और उस ट्रेन से सामने मौजूद एक्सप्रेस रेडी, माशाल्लाह ढोल बज रहे हैं और लोग रेस्ट कर रहे हैं, एंजॉयमेंट हो रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। खासतौर पे आज के दिन मोजो एक्सप्रेस को थोड़ा सा लेट किया गया है मीडिया वालों की वजह से, आज मीडिया वाले आ रहे हैं तो गौर करने के लिए। और सामने माशाल्लाह एक किसी आर का लोकोमोटिव लगा मोजो एक्सप्रेस पे आज की दिन, क्या बात है, जबरदस्त। GU40 लोकोमोटिव मौजूद है, हमारे सामने दो GU40 लोकोमोटिव मौजूद है 9036 और 9025 40 स्टेशन पे, इस वक्त बंद है।